हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर श्रृंगार। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं आखिर इतना सारा प्रोडक्ट्स लेकर क्यों बैठी हूँ, मतलब मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ आखिर। तो आज हमने यहाँ पर मार्च के फेवरेट प्रोडक्ट्स को लेकर बैठा है, मतलब मार्च में मेरे कौन कौन से फेवरेट प्रोडक्ट्स रहे, तो साथ ही मेरे कौन कौन से फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, फेवरेट डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं शुरुआत करूँगी इस नूपुर मेहंदी से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके ना छोटे छोटे 12 पैकेट्स रखे हैं, मतलब मैंने मंगवाए हैं एक बार में, और नूपुर मेहंदी मुझे अच्छा भी लगता है लगाने में। तो ये 12 ग्राम का पैकेट है और प्राइस इसकी है 5 रुपीज़। तो मैंने एक ही बार में एक दर्जन मंगवा लिया कि अपना चलता रहेगा, क्योंकि एक बार में मुझे और 4-5 पैक लगाने पड़ जाते हैं, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। और अब मैं बताऊंगी एक एक करके सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पर मैंने 60 प्रोडक्ट्स रखे हैं, और सभी प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर आप वीडियोस में जाइए, वहाँ लाइन से आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, तो उसको आप क्लिक कर करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं ज़्यादा बातें ना करूँगी और ज़्यादा डिटेल में मैं सबके बारे में नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ मैं इतना बता दूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो अधिकतर मेरे फेवरेट है, अधिकतर क्या मतलब पूरे के पूरे मेरे फेवरेट ही हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से। ये है अरोमा मैजिक का ब्लसम कोचर विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग जेल, SPF 30 के साथ है, 100 ग्राम की क्वांटिटी में है, और ये मेरा रीपर्चेस प्रोडक्ट है। ये लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं इसे लगाई थी ना तो मेरे स्किन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब इसे लगातार मैं लगाई हूँ 1-2 महीने तक, और फिर से मैंने इसे परचेज़ किया है। उसके बाद ना ये है मेरा मिरर, जो कि हमेशा मेरे पास रहता है मेरे पर्स में, तो डेली एसेंशियल्स चीज़ों को भी मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें मैंने मिरर को भी रखा है। उसके बाद यहाँ पर है मेरी बिंदी, ये बहुत ही प्यारी सी बिंदी है, छोटी सी शिल्पा ब्रांड की। उसके बाद यहाँ पर है लैक्टो कैलामाइन का सनस्क्रीन लोशन, तो ये भी मेरा रीपर्चेज है, इसे भी मैं 1-2 बार, 2 पैक मैं इसका लगाई, ये तीसरा है। उसके बाद ये है ब्लू हेवन का काजल, तो ये भी रीपर्चेज प्रोडक्ट है। फिर ये है मेटालिक मैटे का लिप ग्लॉस, स्विस ब्यूटी का है, और इसे अगर आप ऑनलाइन परचेज कीजिएगा तो ये आपको 199 रुपीज़ में नायका पर मिल जाएगा। फिर ये जो है ना, ये है माई ग्लैम का लिपस्टिक, तो ये गिफ्टेड है, और ये डार्क ग्रीन नेल पॉलिश है, ये भी गिफ्टेड ही है। उसके बाद ये यहाँ पर है ADS ब्रांड का लिप लाइनर आई लाइनर पेंसिल, तो ये डार्क कलर में इसलिए मुझे अच्छा लगा। फिर ये है ग्लोबस नेचुरल्स का विटामिन सी फेस वॉश, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने इसे लगाया। फिर यहाँ पर लैक में आइकॉनिक का आईलाइनर है, यहाँ मिस क्लेयर का लिप बाम है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दिखेंगे जो कि 2 या 3 की संख्या में होंगे, वैसे तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हैं तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पर 2-2, 3-3 भी रखे हैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए भी, और मुझे जो अच्छे लगते हैं उन सभी को भी। तो जैसे ये है बोरो प्लस, तो ये आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है, इसका यूज़ ठंड के दिनों में भी मैं करती हूँ, गर्मियों में भी करती हूँ, तो ठंड में लिप्स पर लगाने के लिए हैंड क्रीम की तरह, लेग क्रीम की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ग्लीमर का लिपस्टिक है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, डार्क रानी पिंक है। उसके बाद ना यहाँ पर ये है ब्लू हेवन का सौभाग्य सिंदूर, ठीक है, और ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है, यहाँ पर लैक में आइकॉनिक का मश्करा है, ये नेल ट्रेंड का नेल इनेमल नेल पॉलिश, बहुत अच्छा लगा ये मुझे लगाने पर। उसके बाद ये है बेबी क्रीम हिमालय का, इसे भी मैं हैंड क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ, ये लिवॉन है हेयर सीरम, इसे बाल धोने के बाद मैं लगाती हूँ। फिर ये है मॉइस्चराइज़र खादी नेचुरल का, बहुत अच्छा
ये मॉइस्चराइज़र है, सबका दाम मैंने अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है? सबकी प्राइस मैंने बता रखी है जब मैं इसके डिटेल वीडियो बनाई हूँ, तो अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट को बता रही हूँ। ये प्लम का है, आईस्वेयर काजल, बहुत अच्छा काजल है, ट्रस्टेड है। लैक्मे का ल्यूमी क्रीम है, बहुत अच्छा क्रीम है क्योंकि मॉइस्चराइज़र और हाइलाइटर के साथ है, तो जब आप इसे लगाएंगे तो आपको, अगर आप इसे मॉइस्चराइज़र की तरह लगाते हैं, कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, तो आपको हाइलाइटर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर है बॉडी वॉश, ये भी खादी नेचुरल का है, लेवेंडर एंड लैंग लैंग के साथ है, बहुत अच्छा है ये भी। फिर यहाँ लिप लव है, लिप बाम, तो यहाँ पर मैंने एक लिप बाम ये रखा है, एक लिप बाम ये रखा है, और एक लिप बाम ने यहाँ खादी नेचुरल का भी रखा है, मैं दिखाई दे रही हूँ। फिर ये पॉन्ड्स का क्रीम है, स्किन क्रीम है, तो यहाँ पर मैं पॉन्ड्स का क्रीम रखी हूँ, गोल्ड क्रीम, और ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये कोटारील का क्रीम है जो कि फटी एड़ियों में मैं लगाती हूँ, या फिर ठंड के दिनों में जब हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद है एनवे का, एनवे पैशन का परफ्यूम डिओडोरेंट स्प्रे, तो इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। फिर ये मैड का प्लेयर परफ्यूम है, उसे भी मैं लगाती हूँ, और ये मेरा फेवरेट है। इन तीनों में मेरा ये और ये फेवरेट है, इसे भी मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, ये ऑल टाइम फेवरेट है। फिर यहाँ गुलाबरी है, तो गुलाब जल तो मेरा फेवरेट है ही, और मैं अधिकतर वीडियोज़ में, मतलब जब मैं फेवरेट प्रोडक्ट्स को रखती हूँ तो मैं इसे ज़रूर रख लेती हूँ। फिर ये दो तरह के ना ये हैं ब्रशेस हैं, ब्रशेस के पैकेट्स हैं जिसका कि मैं यूज़ करती हूँ मेकअप करने में। और ये निविया का बॉडी लोशन, यहाँ पे मैंने बॉडी लोशन तीन रखे हैं, निविया का बॉडी लोशन है, बोरो प्लस का दूध केसर है, वैसलीन का बॉडी लोशन है। फिर यहाँ पर सेंट बोटानिका का शैम्पू है, यहाँ आयुथ वेदा का फेस वॉश हमने रखा है, और फेस वॉश हमने यहाँ पर एक ये रखा है आयुथ वेदा का, और फेस वॉश हमने और भी रखा है, और फेस वॉश कहाँ गया, एक ये है, दो दो फेस वॉश, एक और फेस वॉश था, अच्छा शायद मिल जाए, अभी दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्यों। फिर ये एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल मुझे सूट नहीं करता है मेरी स्किन पर, बट मैं इसे बालों में लगा लेती हूँ। फिर ये है सेंट बोटानिका का प्रो केराटिन एंड आर्गन शैम्पू, और ये है प्रो केराटिन एंड आर्गन कंडीशनर। उसके बाद यहाँ पर खाती नेचुरल का हिल्स, क्रैक हिल्स के लिए क्रीम है ये वाला, इसके भी रिव्यू मैं शेयर की हूँ, ठीक है? और ये है स्किन फ्रूट्स क्रीम है, बट उसे मैं चेहरे पे नहीं लगाती हूँ, हाथ पैर में लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पर उबटन है, यहाँ पर लैक्मे का फेस इट कॉम्पैक्ट है, ये ना ये क्या है, ये कॉटन है, तो कॉटन भी मैं रख ली हूँ क्योंकि कॉटन का यूज़ भी हमेशा होते ही रहता है, तो ये कॉटन भी हमने रखा है, इसे हमने परचेज़ नहीं किया, वो मुझे गिफ्ट में मिला है। उसके बाद यहाँ पर फिट मी का ये है, क्या बोल जाएगा उसको, फाउंडेशन, और फिर लैक्मे एब्सोल्यूट का 3D मैटे लिपस्टिक है, बहुत अच्छा लिपस्टिक है ये, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, मैं अभी तक किसी की प्राइस नहीं बताई, उसकी प्राइस ज़्यादा है बट वो बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट मेरा बन चुका है। यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है, और ये है नेल पॉलिश रिमूवर, और यहाँ पर एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, बहुत अच्छा शैम्पू है, वो वाकई में बहुत अच्छा शैम्पू है। ये पतंजलि का नारियल तेल है, हिमालय का बेबी सोप है, और इधर पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स मैजिक पाउडर है, इधर पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर पाउडर है, ये आंवला चूर्ण है, ये हालांकि खाने के लिए है बट ना उसे मैं बालों में ही लगा लेती हूँ, मैं खाने के लिए ली थी बट मैं खाई नहीं, मैं इसे मेहंदी के साथ लगा लेती हूँ बालों में ही, मतलब मेहंदी पाउडर के साथ उसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद है ये रिफ्रेशिंग, हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लींजिंग मिल्क, तो स्किन के लिए क्लींजिंग मिल्क वगैरह बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का कॉम्बो पैक में बाथिंग बार है, तो इसका चार मतलब आता है पैक कॉम्बो, एक बार में चार ही मिलेगा, एक एक करके नहीं मिलता। तो यहाँ पर सोप मैंने एक ये रखा है, ये रखा है,
अधिकतर चीज़ ना आपको आयुर्वेदिक हर्बल इस टाइप के ही दिखेंगे मेरे वीडियोस में। और जैसे कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का जो भी प्रोडक्ट हुआ वो हर्बल है, इधर हिमालय का अधिकतर जो भी है दिख रहा है वो हर्बल है, इधर नूपुर में भी जो है गोदरेज का ये हर्बल है, बोरोप्लस हर्बल है, पतंजलि हर्बल है, उसके बाद ये जो उपटन है शाही उपटन, ये किसका है? अच्छा शाहीन उपटन, यहाँ हर्बल पैक भी लिखा हुआ है, हर्बल है। सेंट बोटानिका का जो है वो हर्बल है। आयुर्वेदा का यहाँ पर ये है एलोवेरा जेल और ये फेस वॉश, ये हर्बल है। बोरो प्लस का जो है बॉडी लोशन वो हर्बल है। ये गुलाबरी गुलाब जल हर्बल है, ये भी अरोमा मैजिक का जो ये भी हर्बल है। मतलब अधिकतर चीज़ ना आपको हर्बल ही मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद है, हाँ ये भी हर्बल है इंडिया अर्थ का। और ये तो मैंने बताया नहीं, इंडिया अर्थ का ये विटामिन सी सीरम है। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के ये सीरम रखे हैं विटामिन सी, और ये विटामिन सी जेल है, मतलब दो तरह के हैं, है एक ही चीज़, मतलब दो फॉर्म में, एक जेल फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अभी आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू।